नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और यह है सैमसंग गैलेक्सी M51 और यह है M31S। दोस्तों कैसा रहेगा अगर आप जो ये टॉगल्स है क्विक पैनल के, ये अगर आप एज पैनल से ही ऑन ऑफ कर सको तो कितना अच्छा रहेगा। इसलिए यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंट्रोल सेंटर, जो आपको मिल जाएगा एज पैनल पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप इस तरीके से अपने क्विक पैनल को एज पैनल से ही यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो बड़ी आसानी से। यह होता है पहला पेज और ये होता है दूसरा पेज। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो म्यूजिक से लेकर ब्राइटनेस और इस कनेक्शन के जो टॉगल्स है, टॉर्च, पावर ऑन ऑफ, ब्राइटनेस, वॉल्यूम लेवल, इसके अलावा यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीन कैप्चर, होम, बैक, कैलकुलेटर, कैमरा, ये सब कुछ आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो अगर आपको ये यूज करना हुआ, इसका मतलब ये कि आपको ऊपर जाके ऐसे स्वैप डाउन करके यहाँ पे कोई भी क्विक पैनल को एक्सेस नहीं करना है, आप बड़ी आसानी से यही से उन क्विक पैनल को यहाँ पे आसानी से एक्सेस कर सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर आपको इस कंट्रोल सेंटर को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है आपके फोन में, तो आप कर सकते हो। लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। लेकिन आपको इसे इंस्टॉल कैसे करना है, ये वीडियो आपको पूरा देखना है, तब जाके फिर आप इसे अच्छे से यूज कर सकते हो। हालांकि मैं आपको यहाँ पे कंट्रोल बता देना चाहता हूँ, जैसे आप ब्राइटनेस करना चाहोगे तो ब्राइटनेस को आपको यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट करना है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसी तरह से यहाँ पे वॉल्यूम लेवल को भी आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है। अगर आप इस पे लॉन्ग टैप करते हो वॉल्यूम लेवल पे, तो आप वॉल्यूम के जो सारे पैनल्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे ब्राइटनेस के टॉगल पे भी लॉन्ग टैप करोगे तो ऑटो ब्राइटनेस ऑन हो जाता है, और लॉन्ग टैप करोगे तो ऑटो ब्राइटनेस ऑफ हो जाता है इस तरीके से। और इसके अलावा यहाँ पे आप टॉर्च को भी एक्सेस कर सकते हो, टॉर्च का जो फ्लैशलाइट का जो इंटेंसिटी है उसे भी आप यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, आप यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको जो लिंक दी है उस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड करना है, और फिर आपको डाउनलोड फोल्डर में जाना है माई फाइल्स के। आप जाइए डाउनलोड्स में और फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा कंट्रोल सेंटर, आपको इसे यहाँ पे कर देना है इंस्टॉल। और दोस्तों ये कंट्रोल सेंटर की जो लिंक है ये प्रोवाइड की है आरडी देसाई, जो हमारे एक सब्सक्राइबर है। आरडी देसाई को मैं यहाँ पे थैंक यू कहना चाहूंगा कि उनकी वजह से हम यहाँ पे कंट्रोल सेंटर को यूज कर पा रहे हैं एज पैनल पे। तो यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद आपको इसे करना है ओपन, और फिर आपको यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया ये होता है इसका पहला पेज, तो ये होता है इसका पहला पेज, और इस लाइन के नीचे होता है ये दूसरा पेज। तो आपको पहले पेज पे कौन कौन से टॉगल रखने हैं, दूसरे पेज पे कौन कौन से टॉगल रखने हैं, आप यहाँ पे इन्हें ऊपर नीचे कर सकते हो। आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसे ऊपर लाना है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग को आपको यहाँ पे 3 बार पे टैप करके ऊपर लेके आना है इस तरीके से। आप उसे पहले पेज पे रख सकते हो इस तरीके से। इसके अलावा यहां से अगर आप चाहते हो मोबाइल डेटा को यहां पे रखना, तो प्लस के साइन पे टैप कीजिए, मोबाइल डेटा यहां पे ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहां पे जो टॉगल्स है उन्हें प्लस के साइन पे टैप करके ऊपर यहां पे ऐड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे कैप्चर फुल स्क्रीन, कैप्चर अ पोर्शन ऑफ स्क्रीन ये नहीं चाहिए, तो माइनस के साइन पे टैप करके आपको इन्हें निकाल देना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो चीजें हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो या फिर निकाल भी सकते हो। अब आपको लगता है कि मोबाइल डेटा मुझे सबसे पहले पेज पे चाहिए, तो आप उस पे टैप कीजिए 3 बार पे और उसे आप पहले पेज पे रख सकते हो। और इसके सेटिंग्स बनाने के लिए आपको यहाँ पे जाना है मोर में, सेटिंग्स में आप यहाँ पे सेटिंग्स कर सकते हो। आपको बैकग्राउंड का कलर कैसा चाहिए, ट्रांसपेरेंट, डार्क या लाइट, उस तरीके से आप यहाँ पे सेटिंग्स कर सकते हो। वाइब्रेशन की इंटेंसिटी भी कैसे चाहिए, फिर पैनल का साइज बड़ा चाहिए कि छोटा चाहिए, आप इसे पैनल का जो साइज है वो यहाँ पे वाइडर या फिर थोड़ा नैरो कर सकते हो यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए कुछ ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, आपको कौन सा फॉर्मेट रखना है यहाँ पे आप देख सकते हो, रेजोल्यूशन कौन सा रखना है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे कैसे एक्टिव करना है एज पैनल पे, तो उसके लिए आपको जाना है एज पैनल की सेटिंग्स में, और फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा कंट्रोल सेंटर, आपको इस पे यहाँ पे इनेबल करना है, और फिर आपको रीऑर्डर करना है आपको कौन से प्लेस पे रखना है। तो आप अगर चाहते हो दूसरे प्लेस पे रखना, दूसरे प्लेस पे आप यहाँ पे रख सकते हो। और फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो अब आप यहाँ पे कर सकते हो कंट्रोल सेंटर को एक्सेस, आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो आप बिना परमिशन के नहीं कर सकते, जैसे अगर आपको यहाँ पे जो साउंड मोड है, वाइब्रेशन मोड है, उन्हें चेंज करना हुआ, तो आपको DND की जो परमिशन है वो यहाँ पे अलाउ करनी पड़ती है। इसलिए आपको यहाँ पे DND की परमिशन अलाउ करनी पड़ेगी, कंट्रोल सेंटर को इनेबल करना पड़ेगा यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप ब्राइटनेस कम ज्यादा करते हो, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो चेंज सिस्टम सेटिंग्स है
उसकी परमिशन अलाउ करनी पड़ेगी। तो इसके बाद आपको यहाँ पे दो परमिशन देनी पड़ती है, फिर इसके बाद आप आसानी से अपने यहाँ पे जो कंट्रोल सेंटर है उसे यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो कौन सी चीजें कहाँ पे रखनी है आप यहाँ पे बड़ी आसानी से पहले पेज पे दूसरे पेज पे उस तरीके से यहाँ पे सेटिंग्स कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मैं यहाँ पे ही कर सकता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, टाइमर के बाद यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और आप फिर यहाँ से इसे स्टॉप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो भी यहाँ पे कर सकते हो। तो दोस्तों आप इस तरीके से अपने एज पैनल पे कंट्रोल सेंटर का यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो या फिर इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हो। मेरा इंस्टा और ईमेल आपको मिल जाएगा मेरे अबाउट पेज में। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।